मैंने पापा से सीखी है. लाइफ चूजेस अस. एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर अपना प्रोफेशन मैंने नहीं चुना, बल्कि मेरे पापा सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास के जरिए इस प्रोफेशन ने मुझे चुना. हर पुलिस ऑफिसर की लाइफ में एक न एक दिन ऐसा केस जरूर आता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. मेरी लाइफ में भी एक ऐसा केस था, मेलविन फिलिप. ये नाम पहली बार मैंने इस केस के जरिए ही सुना था. एंड आई नेवर थॉट दैट नेम वॉज गोइंग टू चेंज माई लाइफ. आफ्टर ऑल लाइफ इज अ हंट एंड इट इज वी हु चूज वेदर टू हंट और टू बी हंटेड. എന്തിനാ അവളുടെ ടെഡി ബിയർ എപ്പോഴും എടുക്കണേ? കഴിക്ക്. അപ്പു പീ ചെയ്തു. മോളെ, മോൾക്കറിയാവുന്നല്ലേ അപ്പുന് വയ്യാത്തന്ന്. എണീക്ക്. मम्मी, आई एम रियली सॉरी. क्यों? वो मैंने दादाजी को. ए, कोई बात नहीं. क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, मुझे एक पुरानी बात याद आ गई. बहुत पहले दादू के पास एक फिएट पद बनी थी. तुम्हें पता है वो उसे क्या कहते थे? पी गाड़ी. मैं ना उनकी स्पीड से बहुत डरती थी. जैसे वो स्पीड बढ़ाते थे ना, मैं इसीलिए फिएट पद्मिनी पी गाड़ी बन गई. हेलो. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ मैम, यही स्पॉट इंसिडेंट यही हुआ था. ओके.
यहाँ पे सडनली ब्रेक मारी होगी। यस मैम। तो ये कोलिजन जैसा तो नहीं लगता, जानबूझ के ब्लॉक किया गया होगा। लगता तो है। हाँ। बिल्कुल। सबसे पहले किसने देखा? मैम पेट्रोलिंग के वक्त संजीव ने देखा था। यस मैम। ओके। क्या देखा था? मैडम रात के टाइम जब मैं पेट्रोलिंग कर रहा था तो हमें एक छोड़ी हुई कार दिखी। करीब जाकर जब पता चला कि कीमती चीजें कार के अंदर ही हैं तो लग गया कि ये सब चोरी के मकसद से नहीं किया गया होगा। नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि कार फिल्म स्टार उमा सतीमूर्ति के नाम से है। मैंने ये मामला कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। जब हमने डिटेल में सर्च किया तो हमें फ्रंट सीट में एक मोबाइल मिला, उसे हमने अपने कब्जे में ले लिया। रात को मेन रोड पर एक छोड़ी हुई कार मिली, एक वेल नोन एक्ट्रेस लापता है, नो साइन ऑफ अटैक और एनी स्ट्रगल। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज मैम। वो आखिर में अपने कॉलेज मेट्स के गेट टुगेदर फंक्शन को अटेंड करने गए थे। होटल व्हाइट क्लाउड में शाम 7:30 बजे उमा गाड़ी लेकर आई थी, 10:30 बजे वापस चली गई। होटल के CCTV चेक करो और उस होटल में जितने भी लोग आए थे मुझे उन सबकी डिटेल। श्योर मैम। और वो जो मोबाइल वहां पर मिला तुमने उसके ओनर को ट्रेस किया? ये कनेक्शन मेलविन फिलिप के नाम से एक ही फोन पर लगातार कॉल किया गया, लगभग 5 बार। विच नंबर? मैम वो जिस नंबर पर कॉल किया गया वो सैलेक्स सर का है। क्या? साइलेक्स, देखो जो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में मरा वो आदमी एक कन्विक्ट था, बट ही इज अ ह्यूमन बीइंग टू। लेकिन उसके वजह से सेक्सुअली अब्यूज्ड हुए उन 3 बच्चों का क्या? क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं है? तो क्या ये तुम्हारे गलत काम को सही ठहराता है? लेकिन मैंने क्या गलत किया? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, उससे हमें कम्प्लीटली प्रोवोक्ड हुए मॉब से बचा कर लेकर आए थे। ही वॉज ऑलरेडी बीटन अप बाय देम। सॉरी। और यही उसके मरने का कारण है। You can check the autopsy report. लेकिन ऐसा करने से तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। देखिए, उस पर पहले बहुत कुछ बीत चुकी है। मैं अभी ऐसे सिचुएशन में हूं कि अपने पर्सनल मामलों से भी नहीं निपट सकता। एक बच्चा भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहा। वर्दी का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। दिस इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन फॉर मी, इट्स अ पैशन। यस, यही है, सेम नंबर। ये कॉल कब आया था कुछ याद है? लगभग 2 हफ्ते पहले, उस हियरिंग के दिन। पहले मैंने सोचा ये एक प्रैंक कॉल है। ये कनेक्शन मेलविन फिलिप के नाम से है, रिसेंटली लिया उसने। बात कुछ और है, उसने अब तक सिर्फ 5 आउटगोइंग कॉल्स ही किए हैं। एंड द फनी पार्ट इज उसने सभी कॉल्स तुम्हारे नंबर पे ही किए हैं। हाँ, बेस्ट है। अब मुझ पर उमा सत्यमूर्ति के किडनैपिंग का आरोप मत लगा देना। वैसे ही मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। केस की फाइल है, जस्ट गो थ्रू। देखो इस बार मुझे बख्श दो, मैं पहले से किसी दूसरे केस में उलझा हुआ हूँ, पहले उससे तो निपटा लूँ। ही इज अ प्राइम सस्पेक्ट। उसने तुम्हें कॉल क्यों किया ये हमारे केस के लिए जानना जरूरी है, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी प्रॉब्लम को गोली मारो और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। लाओ दो। बाला ने बुलाया था। व्हाई डोंट यू टेक अप दिस केस? अनु, लेट्स टॉक समथिंग एल्स। About what, Silex? Adoption के बारे में? In this situation, it's not going to work. और treatment से क्या होगा? Problem मुझ में नहीं है। मैं तुम्हें hurt नहीं करना चाहती। Just think, अगर तुम इस केस में success हो जाओगे तो तुम्हारे करियर के सारे black marks हट जाएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता वो कब बाहर गया था? नहीं सर। यहाँ मेलविन का कोई दोस्त नहीं मिलेगा क्या? नहीं सर, वो अजीब टाइप के हैं, किसी के साथ कभी ज्यादा बात ही नहीं करते। विजिटर्स? उनसे मिलने के लिए भी कभी कभार ही कोई आता है। कल रात वो किस टाइम यहाँ पर आया था?
कल रात को वो देर से ही आए थे, लेकिन समय का अगर वो यहाँ आए तो हमें जरूर बताना। हाँ ठीक है सर। हाँ चलो। ओके। मैम उमा के गेट टुगेदर में आने के बाद के सभी विजुअल्स चेक कर लिए हमने। ओके लेट्स सी। ओके गिरीश पहला वाला। मैम उमा की कार पार्किंग में 7:12 पर पहुंची। दूसरा वाला। मैम पार्टी हॉल में उमा 7:21 पर पहुंची थी। अभी साबिक को देखिए, आपको वो तीन लोग दिख रहे हैं जो हॉल में जाने के बाद उमा के साथ हैं? हाँ। उसे जरा ध्यान से देखिए, जो तीन लोगों के पास खड़ा है, दैट्स मेलविन। हमने गेट टुगेदर के गेस्ट्स की लिस्ट चेक कर ली है, वो उसका कॉलेज मेट था। ये होटल के पार्किंग एरिया के पास का कैमरा है, ये जो ग्रेस एंट्रो है उसी ने उमा की कार का पीछा किया, यही मेलविन की कार है। ओके राजीव। मैम टेक हिम इमीडिएटली। यस मैम। चार साल पहले ठीक 13 तारीख को तुम्हारी बेटी एंजल मिसिंग हो गई थी, है ना? 2011 का साल था वो, ठीक बोला? हाँ। तुम्हारी बेटी के मिसिंग होने से तुम्हारी वाइफ शिरीन डिप्रेशन का शिकार और साथ ही ड्रग एडिक्ट भी हो गई। उसे मैंने दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश की, बट तब ये हो गया। योर ऑनर, इंसान के रूप में इस अपराधी ने बहुत ही क्रूर कार्य किया है और इसका गुनाह शक के आधार पर पूरी तरह साबित हो चुका है। ऐसे अपराधी को ज्यादा से ज्यादा संभावित सजा के तौर पर उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, ये मेरी अदालत से दरख्वास्त है सर। एनी फर्दर सबमिशंस? दैट्स ऑल योर ऑनर। एक्सक्यूज मी। यस। यहाँ कोई शेरिन नाम से एडमिट है क्या सर? हाँ तुम ही मेलविन हो? जी हाँ। आओ। बालकनी से गिर गई, स्पॉट पर ही डेथ हो गई। मेलविन, मेलविन तुम्हारी पुरानी कॉलेज मेट आज एक फेमस एक्ट्रेस है, क्या ये कॉलेज के दिनों का इन्फैचुएशन था या फिर उसके अभी के स्टेटस को देखकर जेलसी? क्या वजह थी बताओ। शी इज सेफ मैडम। वेल शी, मैंने कभी उसे परेशानी में नहीं डाला सर, आफ्टर ऑल शी इज अ सेलिब्रिटी। हमारी कमी के बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए, ये सेलिब्रिटीज की लाइफ कभी हमारे जैसी नहीं होती, उनकी लाइफ हमसे बेटर होती है, बेटर फूड, बेटर क्लोथ्स, एवरीथिंग इज बेटर। सो आई गेव हर a better death. A painless death. What did you say? I killed her. Hello? Melvin, तुम्हारे लिए एक सवाल है।
ये बताओ तुम अपनी वाइफ पर कितना भरोसा करते हो? ये लो। क्या आज तुम बाहर गई थी? नहीं तो। प्रकाश ने कहा कि उसने तुम्हें कणवात्रा में देखा, इसलिए पूछा। ये तो मैं बताना ही भूल गई थी। मैं श्रेया के साथ जयलक्ष्मी गई थी। उसकी एंगेजमेंट है नेक्स्ट वीक। ठीक है, मुझे जरा चीज देना। ओके, तुमने उन्हें साथ देखा, सो व्हाट्स रॉन्ग? हर झूठ के पीछे हमेशा एक सच होता है सर। पुलिस को दिए उनके बयान के मुताबिक अपराधी के द्वारा दिया हुआ हर बयान गलत है। डेफिनेटली सी, आई एम साइकोलॉजिस्ट। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखकर ही मैं कह सकता हूं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। कैन यू एक्सप्लेन दैट? श्योर। अगर वो कोई लेडी हो तो वो आपके चेहरे को देखकर घबरा जाएगी, या फिर किसी बहाने से अपना चेहरा छुपा लेगी, या जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश। ये तो मैं बताना ही भूल गई थी। क्या है कि मैं श्रेया के साथ मतलब उसकी एंगेजमेंट है नेक्स्ट वीक, तो मैं जयलक्ष्मी गई थी। उसकी एंगेजमेंट है नेक्स्ट वीक। ये दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है। जब उसने बुक की तब शेरिन उसके साथ ही थी। दुनिया में सबसे बड़ा दर्द धोखे से मिलता है सर। उसके लिए बस एक सजा होनी चाहिए। मौत। हर क्राइम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और मुझे पता था इसे कैसे यूटिलाइज करना है क्राइम को परफेक्ट बनाने के लिए। और यहां स्टार्टिंग पॉइंट था शेरिन को बुखार आना, लेकिन मैंने उसे ड्रग एडिक्ट बनाने के लिए उसकी बॉडी में बुखार की दवा की बजाय ड्रग इंजेक्ट कर दिया। उसने जो मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वही कर रहा था। मैं भी उसे धोखा दे रहा था। ये लो। ध्यान रखते।
हर क्राइम को सफल बनाने के लिए तीन फैक्टर्स होते हैं, इसके होने का समय, जगह और मौत की वजह। शिरीन को मैंने फोन किया। हेलो। हेलो, और यही समय मैंने चुना। हेलो, आवाज नहीं आ रही। शिरीन, हेलो शिरीन, तुम जरा बालकनी में आना, रेंज नहीं पकड़ रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने उसे बालकनी में बुलाया, यही वो जगह थी जो मैंने चुनी थी। Perfect time meets perfect place. Perfect crime happens. Excuse me, यहाँ कोई शरीन नाम से एडमिट है क्या? सर, तुम ही मेलविन हो? जी। बालकनी से गिर गई, स्पॉट पर ही डेथ हो गई। इसमें उमा का क्या रोल है? मैम, आपने सुना होगा, रॉन्ग पर्सन एट द रॉन्ग टाइम, यही उमा के साथ हुआ। क्या मतलब? एमिल मेरा अगला टारगेट था, लेकिन तब वो अब्रॉड चला गया। जब उसे दोबारा मिलने का कोई चांस नहीं था, तब इस गेट टुगेदर के रूप में जीसस ने मुझे एक मौका दिया। Dear friends, I welcome all of you to the eventful evening. Today is the special day for all of us. As cities of walk down the memory lane, back then there was a young, cute, popular girl who used to catch attention. Today, she is the most renowned and popular actress of Bollywood. Yes, you are right. A junior college man, Uma Satyamurthy. Let's welcome onto the stage. एहसास हुआ कि मेरा प्लान अब पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एमिल कल वापस चला गया तो वो हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। अब मेरे पास बस दो ही ऑप्शंस थे, आइदर लूज एमिल फॉरएवर और किल उमा टू। आई चूज द सेकंड वन। क्या है वेलवन, क्या हुआ? फिल्म स्टार उमा सत्यमूर्ति के केस में एक बदलाव आया है। अभिनेत्री उमा सत्यमूर्ति और एनआरआई बिजनेसमैन एमिल कुरियन का खून मेलविन फिलिप ने किया है, ये उन्होंने पुलिस को बताया है।
पुलिस के मुताबिक सबूतों के आधार पर ही अपराधी को हिरासत में लिया जाएगा। पीछे चलो। राजीव, बॉडी मिलने के बाद ये लोग और वायलेंट हो जाएंगे, सो यू शुड बी वेरी अलर्ट। ओके सर, यस राजीव। मैम, मेलविन पूरी तरह से कंफ्यूज है। व्हाट डू यू मीन? रात के समय जिस स्पॉट पर उसने उसे दफनाया था, उस जगह को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या करें? अब लोग वायलेंट होने लगे हैं राजीव, इट्स बेटर वी लीव। ओके मैम। ओके, इस तरह से आप नहीं कर सकते। यस सर। ओके, एसपी और आईजी मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, दैट आई कैन हैंडल, बट अब एक और इशू है। व्हाट? जिस पहाड़ी पर हम मेलविन को लेकर गए थे, वहाँ की एक खासियत है, 3 महीने में एक बार घना कोहरा रहता है जो लगभग 21 दिन लगातार चलता है। तो 12 दिन के बाद वहाँ फिर से कोहरा होगा और बॉडी रिट्रीव करना मुश्किल होगा। हे, वेल प्लेड मैन। गुड गेम सर। थैंक यू मैम। मान लो मेलविन की सुनाई कहानी वाकई सच है, लेकिन उसने बॉडी को कहां दफनाया है उसे याद नहीं। वील गिव हिम सम मोर टाइम। अगर उसे याद आ गया कि बॉडी कहां है तो इश्यू सॉल्व हो जाएगा, और अगर उसकी कहानी सच नहीं हुई तो हमें अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। हाउ अबाउट साइकिक लिवर? इंटरोगेशन के जरिए सस्पेक्ट के करीब जाने का ये एक मेथड है कि उन्हें ऐसा फील होना चाहिए कि हम उन पर यकीन कर रहे हैं। यस, ऐसा करके हम उसके बहुत करीब चले जाएंगे। उसे इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा और वो हमें स्पॉट के बारे में बता देगा। वहां इंटरोगेशन रूम का कॉन्सेप्ट तक नहीं होना चाहिए। लेकिन कहां? जब कल मैं यहां पहुंचा तो मुझे सब कुछ याद था सर, लेकिन जब मैंने वहां बहुत भीड़ देखी तो मुझे सटीक जगह याद नहीं आई, इसलिए। इट्स ओके मेलविन, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब याद करो, उस रात को तुमने कोई बोर्ड या कोई लैंडमार्क, जो भी तुम्हें याद हो। मेलविन, जो कुछ तुमने हमें बताया था मैं उसे दोहराता हूं। जब तुम्हारी कार वहां पहुंची, इट वॉज अराउंड 1:30 इन द नाइट, और फिर तुम बॉडी को करीब 300 मीटर तक खींच कर ले गए, फिर कुडाल लेने के लिए वापस कार की तरफ गए। उसके बाद तुमने उसी कुडाल से 6 फुट गहरा। सर, एक बात, बॉडी को दफनाकर वापस आते समय रास्ते पर एक जगह तेजी से पानी बह रहा था, जैसे कोई पाइपलाइन टूट गई थी। राजीव। यस मैम। कॉन्टैक्ट द इरिगेशन डिपार्टमेंट और ये पता लगाओ कि उस एरिया में क्या कुछ दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था। अगर हुआ था तो उस एरिया को सर्च करो। ठीक है। मेलविन, जिस एरिया के बारे तुमने ये बताया वहां ऐसा कोई पाइप नहीं टूटा है। तो फिर अब बाला, वील गिव हिम सम मोर टाइम, इसे सोचने दो। जयंत, टेक हिम। ये सब करने का क्या फायदा है? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं।
Whatever happened, just forget it. And the next option? Sir, we have only 6 days. एक बार वहाँ फॉग शुरू हो गया तो चीजें बिगड़ सकती हैं। तो फिर इन 6 दिनों में कैसे भी करके स्पॉट का पता लगाओ। But there is another problem, sir. District jail छोटे मोटे criminals और political गुंडों का हब है और इसलिए वहाँ पर रोज कोई ना कोई नया पंगा होता है। ऐसे में मेलविन वहाँ सेफ कैसे रहेगा? क्योंकि अगर उससे कुछ हो जाता है तो इससे हमारे केस पर इफेक्ट पड़ेगा। So we have to ensure his safety by all means. ये एक हाई प्रोफाइल केस है बारा। जेल डिपार्टमेंट में तुम्हें फुल सपोर्ट मिलेगा। उसकी सिक्योरिटी मेजर्स पर मैं खुद नजर रखूंगा। ओके, थैंक यू सर। हेलो, राजीव बोल रहा हूँ मैम। हाँ राजीव, बोलो। मैम, डिस्ट्रिक्ट जेल में एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम हो गई है? यस मैम। कब? मैम, जेलर का कॉल आया था। क्या हुआ था? मैम, अपराधियों के बीच में लड़ाई हो गई है। वहाँ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। हमें इमीडिएटली एक्शन लेना होगा। मैम, कुछ तो करना होगा हमें। देखो राजीव, हमारी टीम को वहाँ जल्दी पहुँचना। यस मैम। अगर मेलविन को कुछ हो गया ना, वी आर डन। लेकिन मैम, जेल प्रमाइसिस में जाने की परमिशन? डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके मैम। अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि जेल के अंदर एक कैदी पे हमला किया गया है, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि वो कैदी कौन है, उसकी हालत कैसी है। जेल के अंदर तनाव की स्थिति है। सॉरी, चलिए। बेटी, जब पार्क में जाते हैं तो जिस जगह पर हो वहाँ से यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता मुझे कितनी चिंता होती है जब तुम मुझे नजर नहीं आती हो। सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटी। पता चला है कि इस जेल के अंदर एक पुलिस वाले के ऊपर कैदियों ने हमला कर दिया है। वो पुलिस वाला छेड़छाड़ के केस में जेल गया था और हाल में उसके जेल के कैदियों के साथ झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से ये घटना आज इस जेल में घटी है। मेलविन, तुम्हें याद है ना, तुम हमें एमिल और शैलिन की कहानी सुना रहे थे। तो अब उसके मिसिंग पॉइंट्स पर वापस आते हैं। उमा सत्यमूर्ति, दिया, उमा की बेटी, ये तुम्हारी बेटी एंजल से भी छोटी है। मरना बहुत पेनफुल होता है मेलविन, लेकिन किसी को खोना उससे भी ज्यादा दर्द देता है, और ये दर्द तुम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खोया है तुम वापस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ है जो तुम लौटा सकते हो। उस स्पॉट के बारे में तुम बता सकते हो। उस बच्ची को अपनी मां को देखने का आखिरी मौका मिल सकता है। आपने गलत कहा मैडम, मरने से ज्यादा दर्द किसी को खोने पर नहीं बल्कि जब कोई हमें धोखा देता है तब होता है। एक गलती सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ सही करना। यहां उन्होंने भी गलती की और उन्हें मारकर मैंने जो कुछ भी किया वो सही किया। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं होता मेलविन। कानून बस एक ही होता है सर, जो भगवान ने लिखा है। उसकी अदालत में गलत मैंने नहीं किया, उसने किया।
इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं सर, हम मर्दों को जिसकी चर्चा करनी चाहिए वो यही टॉपिक है। क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि आपकी पत्नी कभी आपको धोखा नहीं दे सकती? नहीं ना, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज है जिसके बारे में मर्द नहीं जान पाता, वो है औरत। मैडम बताइए, क्या आप अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ रह सकती हैं? अभी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा कि किसी से धोखा खाने का दर्द क्या होता है। बहुत बड़ा राजीव सर, टेक हिम। हेलो, या ओके, जेलर है। एक गैंग ने इस पर अटैक करने का प्लान किया था। ये जेल में रहेगा तो खतरा हो सकता है। टेंशन मत लो, वी विल समहाउ गेट हिम टू टॉक। पर कैसे, कि हमेशा एक ही टॉपिक दोहराता रहता है। आई थिंक वी आर हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हे कम ऑन, तुम कार में बैठो, मैं आता हूं। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। बैंक से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए, मोबाइल पर मैसेज आया था। वो डैडी को पैसे चाहिए थे, घर का रेनोवेशन करा रहे हैं ना, इसलिए। ओह, दैट्स ओके। ये वाला चाहिए? ये किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकती हो। ये वाला? हाँ ये। हेलो। हेलो मैम, मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या आप अर्जेंटली आ सकती हैं? एक सीरियस मैटर है। बेटा मैं अभी आती हूँ। हाँ। मैम ये फाइल में था, पता नहीं किसने रखा है। दिन पर दिन उसके झूठ बढ़ते ही जा रहे थे सर। जैसा डॉक्टर ने कहा था, मैं उसका चाल चलन देखता रहा। उसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई थी। अंत में मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। सर क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए? 3 घंटे से एक ही बात को बार बार बोले जा रहा है। लेटर है सर। दिन पर दिन उसके झूठ बोलने की आदत बढ़ती ही गई सर। क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि आपकी पत्नी कभी आपको धोखा नहीं देगी? हाँ, आज बड़े दिनों के बाद याद किया। वो मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा वैसे घर की रेनोवेशन का काम कैसे चल रहा है? अच्छा वो तो पिछले महीने ही पूरा हो गया। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम दोनों तो कभी हमें फोन ही नहीं करते। अनु से बात नहीं हुई आपकी? नहीं तो। काफी समय से उसका फोन नहीं आया, हो सकता है वो काम में बिजी हो। वो डैडी को पैसे चाहिए थे, घर का रेनोवेशन कराना है ना, इसलिए।
में बात करता हूँ। आश्रम जाकर आती हूँ। वो मिले क्या? क्या हुआ? मुझसे ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया? एक मैटर है, कॉन्फिडेंशियल है। ओ। वो क्या है कि वन मिनट। हेलो, हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं चलता हूँ। ओके ठीक है। एक नॉर्मल एक्सीडेंट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बट मुझे वो पेपर मिला था, जैसे कोई कुछ मुझे बताना चाहता है। जब तुम ऐसा कह रही हो तो वो फोन कॉल और वो एक्सीडेंट, हेलो मनु, एक्चुअली मुझे साइबर सेल से हेल्प चाहिए थी। ये है सर कॉल डिटेल्स। सर इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स की डिटेल्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा कॉल्स किस नंबर से आई हैं? ये है सर वो नंबर। ये कनेक्शन रॉनी के ही नाम पर है सर। सर ये है उसकी आईडी। मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग थी इसलिए मैं लेट हो गई। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं ऑफिस कैब से चली जाऊंगी। हाँ मनु, ओके okay।
पल एक चीज क्लियर हो गई थी, मेरे पापा का एक्सीडेंट इट वॉज प्लान्ड एंड द पिविटल रोल वॉज प्लेड बाय माई बेस्ट फ्रेंड अंजलि। हाँ, तुम्हारे लिए एक लेटर है। फिल्म स्टार उमा सत्यमूर्ति के केस में एक नया खुलासा। पुलिस के मुताबिक आरोपी मेलविन फिलिप का उनकी मानसिक बीमारी की वजह से मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। अब ये स्पष्ट हो गया है कि कमिश्नर श्री बाला आईपीएस का इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में नहीं चल रहा था, ऐसा सूत्रों से पता चला है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिनिस्टर ने बुलाया था, दे आर ट्रांसफरिंग द केस टू सीबीसीआईडी। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। देन शो मी साइलेंस, तुम्हारी अब तक की फाइंडिंग्स। शार्प 2:30 में वो चार्ज ले लेंगे, आफ्टर दैट वो तुमसे वहां मिलने आएंगे। ओके देन, यू कैन लीव नाउ। सो जब तक वो चार्ज नहीं लेते, आप ही डिसाइडिंग अथॉरिटी है ना? सो सर, मुझे सिर्फ 3 घंटे चाहिए, ट्रस्ट मी, वो मुंह खोलेगा, प्लीज। ओके, बट शी हैज टू से बाला, प्लीज, ये लास्ट ऑप्शन है। बाला, थैंक यू सो मच। अगर हम अभी भी प्रूव नहीं कर पाए, मैं वो दिखाने लायक नहीं रहूंगा, तुम्हारा एहसान रहेगा। साइलेक्स, मुझे कुछ पूछना था तुमसे। जिस दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन के बारे में कुछ याद है तुम्हें? मैंने कहा ना, उन्हें मैंने ही मारा, लेकिन मैंने उन्हें कहां दफनाया ये याद नहीं आ रहा। मेलविन, जरा दिमाग पर जोर डालो। हेलो, ओके, टाइम इज अप। उन्होंने चार्ज ले लिया है, दे आर ऑन द वे। मैं बताऊंगा वो जगह कहां है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। मैडम बताइए, जब आपको पता चलेगा आपका बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा दे रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगी? सर, आप क्या करेंगे अगर आपकी पत्नी ने आपको धोखा दिया तो? राजीव, ये लीजिए। जैसे क्रिमिनल को इतना ज्यादा टाइम देना मेरी गलती थी। मुझे वो भाषा भी आती है तो तुझे जरूर समझ आएगी। तुम्हें जवाब चाहिए ना? मैं देता हूं। रुको। Stop it! दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। चर्चा जारी है। सुना है एसीपी साइलेक्स अब्राहम पहले भी इस तरह के केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। हाँ। तो इस तरह की परिस्थिति में एसीपी के द्वारा मेलविन पर किए हुए हमले को कमिश्नर ने किस तरीके से लिया है? ऐसे ब्लू डेल एक्ट के प्रति कमिश्नर ने सख्ती से पेश आने का फैसला किया है, इसलिए कमिश्नर ने इसे गंभीरता से लेने के आदेश दिए। Thank you.
चले क्या? इस सबके पीछे साइनुद्दीन सर थे। मैं बता नहीं सकता कि ऐसा क्यों किया और किसके लिए किया। I was waiting for you. मुंबई में मेरी एक मीटिंग है। I have to leave tomorrow itself. अकेली जा रही हो? Yeah. कब आओगी? कल शाम तक आ जाऊंगी। कल तुम्हें जाना है ना? जा सो जा। उसने सही कही थी, जब कोई अपना धोखा देता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उसने जो कहा उसमें एक बात गलत थी। दोनों को क्यों मारना चाहिए? एक को मारना काफी नहीं? अपने प्यार को खोना बहुत बहुत दर्दनाक होता है। अरे सालिक सर, ये क्या कह रहे हो आप? तुमने बहुत पी लिया है। मौत, उसे मौत मिलनी चाहिए। हेलो, हाँ मैम।
नीड टू लीव इमीडिएटली। अगर कोई अर्जेंट फाइल्स होंगी तो उन्हें घर भेज देना। ओके हाँ। आ दादाजी मुझे दो ना। जानवी हेलो सर, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है। ओके 11 o'clock। ओके सर, आई बी देयर। ओके परफेक्ट टाइमिंग बाला, क्राइम ब्रांच से कॉल आया था। स्पॉट दिखाने के लिए मेलविन तैयार है, बट ऑन वन कंडीशन। लेकिन वो बस तुम्हें और सेलेक्स को ही लोकेशन के बारे में रिवील करेगा। But, सर बाला, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, वी हैव टू एक्ट इमीडिएटली। इससे आगे जाना सेफ नहीं है मैडम, बहुत कोहरा छाया हुआ है, सही से कुछ दिखाई नहीं देगा। वन मिनट। जैसे मैं कहूँ वैसे करना। ओके सर। जाओ बाला, और वक्त जाया नहीं करना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है यह हमारा आखिरी मौका है। प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट जिसे मरना है वो शख्स हमारे कितने करीब है यही उसके परफेक्शन का फैसला करता है, जो क्राइम हम करते हैं। डोंट वरी, लगता है कोई जानवर होगा, चलो चलते हैं। अदालत को यह यकीन हो गया है कि दोषी ने उसकी मानसिक बीमारी की वजह से यह नाटक किया था, इसीलिए अदालत दोषी को ऐसे पागलपन की हरकत के लिए 1 साल की सजा सुनाते हुए उसे सरकारी मानसिक अस्पताल में भेजने का हुक्म देती है। ये अदालत
सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए कमिश्नर श्री बाला आईपीएस और एसीपी साइलेक्स अब्राहम का आभार व्यक्त करती है। मैंने मेलविन को जैसा पहले दिन देखा था वैसा ही हर दिन दिखा, हर बार वही सवाल, लेकिन उस सवाल का जवाब अभी भी बाकी है। आखिर उसने ये सब क्यों किया? But I'm sure about one thing, मेलविन की मुस्कान, सारे जवाब उसमें ही छुपे हुए होंगे। अच्छा तो हम चले सिस्टर। ठीक है, पेपर्स एक हफ्ते में रेडी हो जाएंगे। ओके ओके। वी आर ऑलमोस्ट देयर। एक्चुअली दिस इज नॉट राइट टाइम टू मीट हर, बट स्टिल there is something that I need to tell you. ज्यादा नहीं मिले, बट आई नो साइलेक्स वेल। तुम्हें इतना खुश देखकर, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। डॉक्यूमेंट्स पे साइन हो गए? आशा को सब पता है। इनफैक्ट इसने और इसके पति ने हमारी बहुत हेल्प की है। Totally on the way hun. It's all because of you, ma'am. Hey, it's part of a job. औरतों में से नाइटमेयर की तरह ही समझना, इवन शरण के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप भी। मैम, आई डिडंट गेट यू, हु इज दिस शरण? इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? मेरे कहने का मतलब है मेलविन की वाइफ शरण, उसे तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता था। मैम, हु टोल्ड यू दिस? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शेरिन को कभी नहीं देखा, और दैट गाय मेलविन, उसे तो मैंने कॉलेज में देखा था, वो भी 12 साल पहले, और अभी इस गेट टुगेदर में देखा। एनीवे, आई एम ऑलरेडी लेट, आई हैव टू रश, 12 o'clock की फ्लाइट है। ओके
उसके शरीर में क्रोनिक ड्रग अब्यूज के कोई फीचर्स नहीं थे, लेकिन मरते समय शरीर में ड्रग्स की हैवी डोज पाई गई है। यह हमें ऑटोप्सी फील हुआ है। वैसे भी जब कोई अपने आप गिरता है या किसी को मारने के लिए गिराया जाता है तो उसमें अंतर होता है, लेकिन विक्टिम के शरीर पर ऐसी चोटें थी जैसे उसे जानबूझकर किसी ने मौत के मुंह में धकेला हो। बस यही मेरी फाइंडिंग्स है मैम, लेकिन इसे एक एक्सीडेंट के तौर पर दर्शाने के लिए हायर अथॉरिटी से बहुत दबाव बन रहा है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट हू केयर्स। ओके, थैंक यू डॉक्टर। अनु, राजीव। हेलो मैम, मैम साइलेक्स क्लीन है। यस आई नो, बट समवन इज हेल्पिंग मेलविन एंड आई हैव माय ओन गेसेस अबाउट हु इज इट। एक्चुअली मेलविन को हमने अरेस्ट नहीं किया, उसने हमसे ऐसा करवाया। बट व्हाई? सवाल तुम्हारे जवाब में ही है, तुम्हें जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं। शेरिन की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी और ना ही उसका एमिल से कोई रिश्ता था। दैट वाज फेक। अक्सर झूठ सच से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ज्यादातर झूठ बार बार बोलने से एक वक्त पर वो सच बन जाता है। तुमने शेरिन को कैसे मारा, हमें सब सच सच बताओ। Oh,
see, Melvin, Angel's performance in all the assessment exams this year has been extremely poor. इसीलिए बोर्ड ने डिसाइड किया है कि एंजल कंटिन्यू नहीं कर सकती। प्लीज मैडम, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा तो आप हर बार कहते हैं। लेट मी टॉक टू द बोर्ड, बट दिस इज योर लास्ट चांस। ओके मैम, थैंक यू। चलो। दूध पी रही हो? हम्म, आओ इधर आओ, मेरी गोद में बैठो। ये लो, रेवती का कॉल आया था। ऐसे कितनी बार हम प्रिंसिपल से बेइज्जत होते रहेंगे? इसमें थोड़ा समय तो लगेगा मेलबर्न, फिर ठीक हो जाएगा। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। चलो बेटी। मुझे स्कूल नहीं जाना। नहीं बेटी, ऐसा नहीं करते। मुझे नहीं जाना। अच्छे बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। चलो चलो, रोते नहीं है। आ जाओ, बस गुड गर्ल। आ गया। गई? हम्म, चलता हूँ। मेरी बेटी? वो तो हमें दिखी नहीं, हमें लगा सर उसे ले गए होंगे। ठीक है ठीक है। मेलविन, आते हुए दो पैकेट दूध लेकर आना। ठीक है। और उसे बताना कि यहाँ उसके फेवरेट नूडल्स रेडी हैं। किसे? एंजल को। एंजल को? क्या वो तो मेरे साथ नहीं है। ये क्या, ड्राइवर ने तो मुझे बताया कि उसे स्कूल से आपने पिक किया था। ये क्या कह रही हो श्रीन, मैं तो ऑफिस से अभी आ रहा हूँ, मैं उसे कैसे पिक कर सकता हूँ। तो फिर कहाँ गई? अब तुम चिंता मत करो, मैं स्कूल में चेक करता हूँ। ओके, परेशान मत होना। ठीक है। क्या बात है? मेरी बेटी घर नहीं पहुंची अब तक। सारे बच्चे तो जा चुके हैं। एक बार देखो, क्या पता ही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो चली गई होगी। तुम भी जाओ एक बार देखो तो सही, शायद मिल जाए। सर स्कूल बंद हो चुका है, सारे बच्चे पहले ही जा चुके हैं। आप भी जाओ सर, कहीं और खेल रही होगी। चैन से दो पैक पीने भी नहीं देते, कोई ना कोई टपक पड़ता है। Thank you.
ही स्कूल ने मदद की ना ही पुलिस ने, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। उसे जहां तहां ढूंढने वाले बस हम दोनों ही थे और कोई नहीं। एक दिन देर रात को उसके कमरे में एक बुक मिली। लाने वाले बच्चों के लिए उनके पास एक टॉर्चर करने वाला मेथड था। अनफॉर्चुनेटली एंजल खान का उसकी विक्टिम बन गई। टीचर, खोल दीजिए, टीचर। उस दिन एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले थे। प्रिंसिपल ने एंजल को उसी दिन सजा दे दी। प्रिंसिपल का दोपहर के बाद कोई प्रोग्राम था, इसलिए वो स्कूल से जल्दी चली गई। मेरी बच्ची को पीने के लिए पानी नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। यहां तक कि जब स्कूल का लास्ट स्टाफ मेंबर गया तो भी किसी को याद नहीं था कि मेरी बच्ची वहां पड़ी हुई है। बच्ची वहां बंद है, मुझे पता नहीं था सर। प्रिंसिपल और मैनेजर ने मुझे धमकाया था कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ये मैं कोर्ट में कहने के लिए भी राजी हूं सर। मैं सच बोल रहा हूं सर। कौन थे वो लोग? आप स्कूल के ओनर को जानती हैं मैडम? वो हाल ही में एक्सीडेंट में मरा, रॉनी वर्गीज। बच्चों के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आई विल किल यू डेविल। ये तुमने क्या किया? इतनी मासूम बच्ची को हटो। एल्विन, बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगा, देखना। पुलिस को छोड़ूंगा नहीं, तुमको मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ब्लॉक पुलिस को। एल्विन, उन्होंने सच को सबसे छुपाने के लिए सब कुछ किया। पुलिस ने भी उनका साथ दिया। चीजें उनके मुताबिक ढल गईं।
मैम मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ। उनका अगला शिकार बनी शेरिन, जब उन्होंने उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट के जरिए ड्रग एडिक्ट साबित कर दिया। शेरिन की मौत सबको एक एक्सीडेंट लगी। से लेकर मेंटल हॉस्पिटल तक कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, सिवाय एक के, मैडम आपके पापा। सर सर, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं आप मेरी मदद करोगे या नहीं, लेकिन प्लीज मेरी एक बात सुन लो, प्लीज सर। हेलो रोनी सर, मैं बोल रहा हूं सैनुद्दीन। चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। सब रेडी है सर। ओके, मैं वहीं लेकर आता हूं, बस अभी आता हूं सर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। एक और बैग बनाऊं सर? हाँ बनाओ। इतना काफी है? हाँ काफी काफी। सोडा? हाँ। बैलेंस खत्म हो गया है सर, आपका फोन मिलेगा, घर पर फोन करना है। हाँ ले लो। सर एक मिनट। हाँ। क्या हुआ, मुझसे ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया? एक मैटर है, कॉन्फिडेंशियल है। ओ। वो क्या है कि हेलो हेलो सर, मैं सैनुद्दीन बोल रहा हूँ। सैलेक्स सर आपसे अभी मिलना चाहते हैं। कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन में ही है। ओके मैं अभी आता हूँ। ओके सर मैं चलता हूँ। ओके जी,
आपको पता है उनके साथ वो कौन है? साइलेक्स इब्राहिम की वाइफ। उसने बहुत गलत काम किया। ऐसे इंसान को मारकर मैं जेल क्यों जाऊं? क्या मतलब? Yes, you are right. A junior college man, Uma Satyamurthy. Let's welcome onto the stage. But the greatest surprise of this event is that this event was organized by the most introvert and quiet boy of our group, Mr. Melvin. Mere plan ke mutabik, Emil, get together ke liye घर आया। मैं चाहता था एमिल के किडनैप के वक्त उमा उसके साथ होनी चाहिए। इसके पीछे एक दूसरा रीजन था। हर केस हमेशा सेंसेशनल बन जाता है जब मिसिंग होने वाला कोई सेलिब्रिटी होता है। सो आई चूज उमा। मैंने अपना फोन कार में जानबूझकर दो वजह से छोड़ा। पहला ये कि पुलिस मुझ तक पहुंच जाए और दूसरा साइलेक्स इब्राहिम को इन्वेस्टिगेशन टीम में लाने के लिए। पिताजी, मैं जा रहा हूं। अब अगर अनु की लाइफ में मेरे पिताजी एक पादरी के रूप में आए, उसे अडॉप्शन के मामले में मदद करने के लिए। ये सब हमने साइलेक्स के मन में डाउट पैदा करने के लिए किया। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ। अडॉप्शन को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने इन्हें सुबह सब कुछ बता दिया। कुछ चीजें आउट ऑफ द वे करनी होती हैं। जब सब सही हो जाएगा तो साइलेक्स को सब बता देना। ठीक है फादर। अगले हफ्ते तुम्हें अच्छा खासा पैसा जमा करना होगा। मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा, वो तो पिछले महीने ही पूरा हो गया। वो डैडी को पैसे चाहिए थे। Thank you.
किसी इंसान को डिसीव करने का सबसे आसान तरीका होता है उसके मन में किसी भी तरह शक पैदा करना। मैडम के ऑफिस में वो पेपर छोड़ना भी मेरे प्लान का एक हिस्सा था। फिर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, मुझे कुछ कहानियां सुनाकर सबको अपने झांसे में लाना था, कुछ जरूरी चीजें सेटल करने के लिए वक्त मिल गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर, मैं इस दुनिया में होने वाले कुछ पापों की सजा भगवान जल्द ही दे देता है, जैसे जेल में अचानक ही सैनुद्दीन की मौत। सैनुद्दीन नाम की एक एक्स पुलिस वाले पर जेल के अंदर हमला हुआ है। लेकिन कुछ गुनाहों की सजा भगवान उसके जरिए नहीं दिलाता जिसके लिए वो भगवान की नजर में हुए होते हैं। जिसने मेरी एंजल के लिए रोनी को मारा वो भगवान का भेजा हुआ दूत था। सर आपने भगवान के दूत को देखा है? मैंने देखा है, मैंने छुआ भी है। देखो ऐसे, मेरे लिए उसको मारा आपने, हम दोनों के अलावा कोई भी दूसरा शख्स इस रहस्य को नहीं जानता मैडम। इसीलिए अब सारे रहस्य आपके सामने हैं। इतना कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? मुझे इसका पूरा यकीन है क्योंकि कानून के सामने मैं अपराधी नहीं हूं, तुम हो। पुलिस की किसी भी केस फाइल में मैंने रोनी को मारा इसके सबूत नहीं है, लेकिन सबूत यह है कि रोनी को आपने मारा है और मैडम इसके बारे में जानते हुए भी चुप रही। किसी को मारना एक बहुत बड़ा अपराध है और जब एक पुलिस वाला इसे दबाने की कोशिश करता है तो वो उससे भी बड़ा अपराध होता है। प्रिंसिपल का क्या हुआ? मेलविन एक सस्पेक्ट था जो हमारे पास एक मनगढ़ंत कहानी लेकर आया था, लेकिन अब जब वो कहानी खत्म हो चुकी है, ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मेलविन ने हमें सिखाने की कोशिश की।
स्कूल में हुई एंजल की हत्या का केस अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। स्कूल की प्रिंसिपल जो कि इस केस की मुख्य आरोपी थी, उनकी लाश गायब हो गई है। ऐसा माना जाता है कि वो पुलिस से बचने के लिए पहाड़ियों में छुपी हुई थी। पुलिस ने अनुमान लगाया है कि कोहरे की वजह से उनके साथ शायद इस तरह की दुर्घटना हुई होगी और यही दुर्घटना उनकी मौत का कारण बनी है। प्रिंसिपल का क्या हुआ? मरना है वो शख्स हमारे कितने करीब है, यही उसके परफेक्शन का फैसला करता है जो क्राइम हम करते हैं। Da da da.